हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इससे पहले ऑलरेडी हमने इसके पहले जो भी क्वेश्चन है उसका वीडियो अपलोड कर चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। मतलब 40 ऐसा पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है जो डिविजिबल होना चाहिए, किसका, 6 का। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब पहला 40 पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए और साथ ही साथ डिविजिबल होना चाहिए, किसका, 6 का। तो इसमें क्या करना है, मतलब 6 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब एपी क्या होगा, बता दो बाबू एपी क्या होगा। अगर बोला है 6 का डिविजिबल होना चाहिए तो एपी क्या होगा, तो जो एपी होगा वो 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, इस तरह से बढ़ते चलेगा। सो कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है, आपको 40 तक जाना है और उसका क्या सम होगा ये फाइंड करना है। मेरी बात समझ में आ रहा है, मतलब उसका ये 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24, इस तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। तो टोटल कहाँ तक लिखना है, 40 तक, तो लिखना नहीं है, बस समझ लेना कि 40 तक जाएगा। तो और पूछ रहा है कि अगर सारे का सम करेंगे तो क्या होगा, तो आप ही बताइए। यहाँ पे ए कितना है, फर्स्ट टर्म कितना, 6 है, और डी कितना है, कॉमन डिफरेंस, तो 12 माइनस 6 तो 6 आ रहा है, और एन कितना होगा, कितना टर्म्स बोला, 40, तो एन 40 हो गया। ठीक, और क्या फॉर्मूला था याद है ना, एस एन इक्वल टू क्या बताए थे, एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 और d बताए थे। ठीक, तो s 40 है तो 40 यहाँ पे लिखेंगे, n के जगह पे 40 बाई 2, इधर हो जाएगा 2 इंटू ए, ए के जगह पे कितना है 6 है, प्लस फिर n, n कितना लेना है 40, तो 40 माइनस 1 हो जाएगा, और d हमारा कितना था, d हमारा 6 है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा बोलो, 2 से काट दो ये 20 हो गया, और इधर से हमारा 2 × 6 = 12 हो जाएगा, प्लस 40 में 1 हटा दो 39 इंटू कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, इधर 20 हो गया और इधर हमारा 12 है, प्लस अब इसको इंटू करो तो 6 × 9 = 54, हाथ में 5 हो गया, 6 × 3 = 18, 18 × 5 = 23 हो गया। ठीक, अब इधर 20 हो गया, इसको ऐड कर दो तो 4 × 2 = 6 हो गया, 3 × 1 = 4, और इधर 2 = 246 हो गया। ठीक है, अब 246 को 20 से गुना कर दो तो 2 × 6 = 12 = 2 हो गया, 2 × 4 = 8 और 1 = 9 हो गया, 2 × 2 = 4 और 1 यहाँ पे 0 है, मतलब ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करो और लिख लो।